दोस्तों ऋतिक रोशन के तमाम फैंस अब उनकी सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 से जुड़ी नई और बड़ी अपडेट्स जानने के लिए बेहद उतावले हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में हमने आपको बताया था कि राकेश रोशन ने इस फिल्म में कियारा अली अडवाणी को कास्ट करने का मन बनाया है। मगर दोस्तों अब क्रिश 4 से जुड़ी तीन ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो बेहद ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। नंबर 1, सभी पार्ट से महंगी होगी क्रिश 4। जी हाँ दोस्तों, दरअसल खबरें हैं कि क्रिश 4 राकेश रोशन की कोई मिल गया और क्रिश सीरीज की बाप होगी, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म में VFX और ग्राफिक्स का भर भर के इस्तेमाल होता है। लिहाजा इस बार क्रिश 4 में भी VFX और ग्राफिक्स का लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है। और दोस्तों खास बात ये है कि क्रिश 4 को बड़े स्केल पर डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते VFX के काम के लिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से बात भी चल रही है। और क्योंकि इस बार आपको एक ऋतिक नहीं बल्कि स्क्रीन पर चार चार ऋतिक दिखने वाले हैं, और इसलिए क्रिश 4 में VFX का लेवल इतना ज्यादा हाई होगा कि ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनने वाली है। और यही है हमारी दूसरी अपडेट। नंबर 2, ऋतिक रोशन के 4 रोल और फीमेल सुपर हीरो भी देगी साथ। जी हाँ दोस्तों, क्रिश के चौथे पार्ट में ऋतिक रोशन चार चार कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे, और साथ ही खबरें हैं कि इस बार फिल्म में विलन का किरदार भी ऋतिक रोशन ही निभाते नजर आएंगे, और इस बार इस फिल्म में फीमेल सुपर हीरो की भी एंट्री होगी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो क्रिश 3 में कंगना रनौत ने सुपर नेचुरल पावर्स वाला किरदार निभाया था, लेकिन दोस्तों कंगना का जो किरदार था वो एक म्यूटेंट और ह्यूमन का मिक्सचर था। और अब ऐसे में क्रिश 4 में पहली बार होगा जब फिल्म में फीमेल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। हालांकि दोस्तों अब क्रिश 4 में कियारा अडवाणी ही वो सुपर वुमन है या कोई और एक्ट्रेस ही रोल निभाती नजर आएगी, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। एंड नंबर 3, जादू रोहित और क्रिश का होगा मिलन। जी हाँ दोस्तों, क्रिश 4 में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो क्रिश की किसी भी फ्रेंचाइजी में नहीं हुआ है। जादू रोहित और क्रिश का मिलन होने वाला है। दरअसल दोस्तों फिल्म की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए राकेश रोशन कुछ दिलचस्प ट्विस्ट कहानी में पिरोने वाले हैं, और इनमें से एक क्रिश के पिता रोहित मेहरा की वापसी बताई जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि क्रिश के चौथे पार्ट में ऋतिक का किरदार कृष्णा यानी क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा को वापस लाने के लिए टाइम ट्रैवल कर सकता है, और क्रिश के एलियन दोस्त जादू की भी वापसी होने वाली है। और दोस्तों क्योंकि जादू से संपर्क करने के लिए रोहित मेहरा का होना जरूरी है, लिहाजा रोहित का किरदार भी फिल्म में वापस लाया जाएगा। वेल दोस्तों जाहिर है कि इस बार क्रिश 4 वाकई में सबसे ज्यादा ग्रैंड और अलग होने वाली है, और क्रिश 4 से ऋतिक कुछ ऐसा करते नजर आएंगे जिसे देखकर उनके तमाम फैंस ताउम्र इस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 से जुड़ी इन तीन अपडेट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपने राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉक चैनल को। जय हिंद।